हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना 11th क्लास का बेसिक चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट या फिर आपकी जो एनसीईआरटी है उस पे लिखा हुआ है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। बिल्कुल बेसिक चैप्टर है। हम बेसिक से ही शुरू करने वाले हैं इसको। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से। तो सबसे पहले जब आप 11th क्लास में आते हो तो आपकी जो साइंस स्ट्रीम होती है वो अलग अलग ब्रांचेज में बंट चुकी होती है, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, तो हमें केमिस्ट्री का आइडिया होना ज़रूरी है। व्हाट इज़ केमिस्ट्री, सबसे पहले यहाँ से ही हम शुरुआत करते हैं इसकी। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि केमिस्ट्री क्या होता है। तो देखियो, केमिस्ट्री डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसमें हम मैटर की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं। यानी कि मैटर के बारे में हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। मोस्टली ज़्यादातर हम इन चार चीज़ों पे फोकस करेंगे, किसी भी मैटर का स्ट्रक्चर क्या है, किसी भी मैटर की कंपोजिशन क्या है, और जो थर्ड चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और जो फोर्थ चीज़ होगी वो होगी केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो चलिए, ये थोड़ा बेसिक आइडिया था आपको केमिस्ट्री का कि होता क्या है। अब यहाँ पे केमिस्ट्री की डेफिनेशन में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आई है आपके सामने निकल कर, केमिस्ट्री मैटर के बारे में। ठीक है, केमिस्ट्री में केमिस्ट्री की जो डेफिनेशन हमने पढ़ी वहाँ पे एक नई चीज़ निकल के सामने आ रही है जिस चीज़ का नाम है मैटर। तो अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये मैटर होता क्या है। तो चलिए इस डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ मैटर, मैटर क्या होता है। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को आगे बढ़ाते हैं। एनीथिंग, ध्यान से देखिएगा, विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसका मास हो और स्पेस ऑक्यूपाई करे उसको हम मैटर कहते हैं। यानी कि एग्जांपल के तौर पर आप देखना चाहो तो एवरीथिंग अराउंड अस, आप अपने आसपास कोई भी चीज़ देखते हो, किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ देखते हो तो वो आपके पास मैटर है। फॉर एग्जांपल, आपके पास यहाँ पे मोबाइल फोन्स हैं, ये भी आपके पास मैटर हैं। टेबल अगर आप देख रहे हो, ये भी आपके पास मैटर है। ये आपके पास पेपर है, ये भी आपके पास मैटर है। और ये आपके पास क्लिप्स हैं, ये भी आपके पास मैटर है। ठीक है, यानी कि आपके सराउंडिंग में आप किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ देखते हो तो वो आपके पास मैटर है। तो अब थोड़ा आगे और चलते हैं इसको समझने के लिए। नेक्स्ट स्टेप क्या है आपके पास, अब है मैटर। हमने समझ लिया कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसका मास होता है और स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको हम मैटर कहते हैं। अब बात करेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स की, यानी कि मैटर को किस तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं और कितने पार्ट्स में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो बात करें हम मैटर की, तो मैटर को जनरली हम दो टाइप्स में, दो पार्ट्स में क्लासिफाई करेंगे यहाँ पे इस पूरे चैप्टर के अंदर, या पूरी केमिस्ट्री के ही अंदर इन दो पार्ट्स में हम क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला है आपके पास फिजिकल क्लासिफिकेशन और नेक्स्ट है आपके पास केमिकल क्लासिफिकेशन। फिज़िकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमारे पास तीन टाइप्स देखने को मिलेंगी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, ये तीन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, यानी कि फिज़िकली अगर हम इनको क्लासिफाई करने की कोशिश करें तो इन तीन स्टेट्स में हमें मैटर देखने को मिलता है, कोई भी मैटर हो। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, फिज़िकल क्लासिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो फिज़िकल क्लासिफिकेशन में पहली टाइप से आपके पास सॉलिड्स। तो सॉलिड्स क्या होते हैं, सॉलिड्स का डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। आपने बेसिक चीज़ें हैं, आपको आइडिया होगा, नाइन्थ टेंथ स्टैंडर्ड में आपने इनका थोड़ा बहुत आइडिया लिया होगा। अब थोड़ा और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। Particles are closely packed and therefore not much freedom of movement except vibratory motion. यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो सॉलिड होगा उसके अंदर जो constituents particles होंगे वो closely packed होंगे। ठीक है, अब closely packed क्यों होंगे, क्योंकि इनके बीच में जो force of attraction होती है
जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो काफी स्ट्रांग होती है, ठीक है। इसलिए जो सॉलिड्स होते हैं वो हमें हार्ड और रिज दिखते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें सॉलिड्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स की, अब कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, या फिर आपके पास कोई आयन भी हो सकता है, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स हैं उनका अरेंजमेंट क्लोजली पैक्ड होता है, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इधर उधर मूव नहीं कर सकते हैं इजली स्किन के अंदर, सॉलिड्स के अंदर, ठीक है। एक और बात कि जो सॉलिड्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे कभी भी फ्लो नहीं करते हैं, ठीक है। जो सॉलिड्स होंगे वो रूम टेम्परेचर पे कभी भी फ्लो नहीं करेंगे, डू नॉट फ्लो एट रूम टेम्परेचर, ये भी पहचान है इनकी। तो चलिए ये था सॉलिड्स के बारे में, अब हम नेक्स्ट चलते हैं लिक्विड्स के बारे में, लिक्विड्स को समझते हैं। तो ये है हमारे पास सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी, या हम कह सकते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन। अब देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें, जैसे कि नो डेफिनेट शेप, यानी कि लिक्विड्स की कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती है लेकिन डेफिनेट वॉल्यूम होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप कॉफ़ी है, टी है, कुछ भी है, इसको आप एक बीकर में डाल रहे हो तो अभी ये बीकर की ही शेप ले लेगा। अगर आप इस किस्म के सिलेंड्रिकल बीकर में डाल दोगे इसको तो ये सिलेंड्रिकल ही शेप ले लेगा, ठीक है। अब हमने कहा कि जो लिक्विड्स हैं उनका डेफिनेट शेप तो नहीं है लेकिन डेफिनेट वॉल्यूम होता है, तो अब हम ये जानेंगे कि क्यों लिक्विड्स का डेफिनेट शेप नहीं होता है लेकिन डेफिनेट वॉल्यूम होता है। अगर हम इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स की बात करें, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स की बात करें तो वो लेस क्लोज टू ईच अदर, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे के साथ उतना क्लोजली अटैच्ड नहीं है, इनके बीच में थोड़ा स्पेस है। यानी मान लो एक पार्टिकल यहाँ पे है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, छठा यहाँ, इस तरीके से अगर कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल हैं इस तरीके से तो इनके बीच में थोड़ी सी स्पेस होगी, ठीक है। उस स्पेस की वजह से कुछ पार्टिकल इधर जा पाएंगे, कुछ पार्टिकल इधर मूव कर पाएंगे, कुछ पार्टिकल इधर मूव कर पाएंगे, तो पार्टिकल्स के बीच में मूवमेंट होती रहेगी, ठीक है, इसलिए ये फ्लो करते हैं। समझ आ गई ये बात। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ हम बढ़ते हैं अपने आगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास गैस। अब हम बात करते हैं गैस की, ठीक है। तो गैस तो टोटली आज़ाद है भाई, ना तो इसकी डेफिनेट शेप होगी ना तो इसका डेफिनेट वॉल्यूम होगा, ठीक है। अब क्यों नहीं होगा इनका डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट शेप, वो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स के अरेंजमेंट की वजह से होगा, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल हैं आप देख सकते हो, एक पार्टिकल यहाँ पे है, 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 यानी कि ये बैलून है, इसके अंदर आपने हवा डाली हुई है यानी कि एयर भरी हुई है, तो उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होते हैं वो बिल्कुल फ्रीली मूव कर सकते हैं, इधर से उधर कहीं भी उनकी इजली मूवमेंट हो सकती है, इसलिए ना तो उनका डेफिनेट शेप होता है और ना तो डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ये हमने बात की फिजिकल क्लासिफिकेशन की, अब आगे चलते हैं हम केमिकल क्लासिफिकेशन की तरफ। तो देखते हैं अब केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या है। उससे पहले थोड़ा सा फिजिकल क्लासिफिकेशन के एक थोड़ी सी स्टेटमेंट है जिसको हम समझ लेते हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन के ही अंदर अंदर है ये, थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टेबल बाई चेंजिंग द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी कि ये जो तीन स्टेट्स हैं मैटर की, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों स्टेट्स को हम एक से दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं टेम्परेचर और प्रेशर की मदद से। यानी कि अगर हम सॉलिड्स को टेम्परेचर देके हीट करें तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और लिक्विड को और ज़्यादा हीट करें तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे ही ये एक दूसरे के इनवर्स होगा। अब उल्टा करेंगे हम, गैस को अगर हम प्रेशर देंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है,
और ज़्यादा प्रेशर देंगे तो वो सॉलिड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये तीनों स्टेट्स एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल हैं, यानी कि आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट को कन्वर्ट कर सकते हो, किसी भी मॉलिक्यूल को, किसी भी चीज़ को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में इजली कन्वर्ट कर सकते हो दो चीज़ों की मदद से। वो दो चीज़ें आपको याद रखनी है, एक है आपके पास टेम्परेचर और दूसरा है आपके पास प्रेशर। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अब आगे नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन की। अब बात करेंगे हम केमिकल क्लासिफिकेशन की कि केमिकली हम मैटर को कितनी टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं और वो टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो चलिए हम बात करते हैं मैटर की। याद रखना है हमें ये केमिकल क्लासिफिकेशन की बात हो रही है, ठीक है, मैटर की केमिकल क्लासिफिकेशन की बात हो रही है। तो जनरली मैटर को केमिकली हम दो टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, एक आता है आपके पास प्योर सब्सटेंसेस, दूसरा आता है आपके पास मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस की भी बात करें तो हम इसमें एलिमेंट्स आते हैं और कंपाउंड्स आते हैं, और मिक्सचर की बात करें तो होमोजीनियस मिक्सचर आएगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर आएगा। अगर आप एलिमेंट्स को थोड़ा और क्लासिफाई करो तो इसमें मेटल्स आते हैं, नॉन मेटल्स आते हैं और मेटलॉइड्स आते हैं। ये तीन चीज़ें भी इसमें ही आते हैं अगर आप इसको फर्दर क्लासिफाई करना चाहें तो। अगर आप कंपाउंड की बात करें तो इसको भी आप फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं, ऑर्गेनिक और नेक्स्ट है आपके पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये दो फर्दर क्लासिफाई कर सकते हो, फर्दर क्लासिफिकेशन। लेकिन फिलहाल आप इतना भी करते हो तो NF आगे करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब वन बाय वन इन चीज़ों को भी डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से फिजिकली और केमिकली हम चीज़ों को क्लासिफाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम सबसे पहले केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर प्योर सब्सटेंसेस, यानी कि कौन सी चीज़ आपके पास ऐसी है जो प्योर है, ठीक है। समझते हैं पहले कि प्योर होता क्या है। ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स आर सेम इन केमिकल नेचर, यानी कि प्योर सब्सटेंस हम उनको कह सकते हैं कि उनके अंदर जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होंगे, किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल से अगर वो मिलके बने हुए हैं तो उनका केमिकल नेचर बिल्कुल सेम होगा। आगे एग्जांपल देता हूँ, पहले ये चीज़ समझ लीजिए। कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होगा उनकी जो कंपोजिशन है, जिन भी एलिमेंट्स को या जिन भी चीज़ों से उनको बनाया गया होगा वो फिक्स्ड होंगी, उनको आप चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास कॉन्स्टिट्यूएंट्स के नॉट बी सेपरेटेड बाई सिंपल फिजिकल मैथड, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होंगे आप उनको इजली एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर सकते हो, लेकिन सिंपल मेथड से आप ऐसे सेपरेट नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास कॉपर वायर है, ठीक है, या आप बेस्ट एग्जांपल ले सकते हो NaCl की, यानी कि ये है आपके पास नमक सॉल्ट। तो पूरे सॉल्ट के अंदर आपको Na और Cl ही देखने को मिलता है, यानी कि इसका केमिकल नेचर यही रहेगा, इसके अंदर जो कंपोजिशन होगी थ्रू आउट द सॉल्ट यही रहने वाली है। अगर आप कोई भी दूसरा एलिमेंट इसमें अगर ऐड कर देते हो तो ये आपके पास NaCl नहीं रहेगा, इसकी कंपोजिशन अगर चेंज हो जाएगी तो ये कंपाउंड ही टोटली चेंज हो जाएगा। समझ आ गई मेरी बात, यानी कि ये जो मोस्टली प्योर सब्सटेंसेस इस अर्थ पे आपको सिर्फ एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे, उसके अलावा कोई भी प्योर सब्सटेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस की भी आगे दो टाइप्स थी, मैंने कहा था आपको, एक आगे एलिमेंट और दूसरी आगे आपके पास कंपाउंड। पहले हम एलिमेंट को डिस्कस करते हैं। प्योर सब्सटेंसेस कंटेनिंग ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, दीज पार्टिकल्स मे बी एटम और मॉलिक्यूल। एलिमेंट्स ऐसी केमिकल स्पीशीज होती हैं जिसमें एक ही किस्म के पार्टिकल्स होते हैं, वो पार्टिकल्स आपके पास एटम भी हो सकते हैं या फिर मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपके पास H2 है ना, डाई हाइड्रोजन, या आप सिंपली हाइड्रोजन भी कह सकते हो इसको। तो H2 ये जो मॉलिक्यूल है ये आपके पास प्योर है क्योंकि हाइड्रोजन के पार्टिकल्स सेम है। ऐसा थोड़ी ना कि हाइड्रोजन के एटम में आपने क्लोरीन के एटम डाल दिए, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। या नाइट्रोजन है आपके पास, ऐसा पॉसिबल थोड़ी ना है कि नाइट्रोजन
नाइट्रोजन के साथ आपने कोई दूसरा एलिमेंट ऐड कर दिया, आप बताओगे नाइट्रोजन? नहीं, नाइट्रोजन के अंदर सिर्फ नाइट्रोजन के ही एटम प्रेजेंट होंगे और हाइड्रोजन के अंदर हाइड्रोजन के ही एटम प्रेजेंट होंगे। यानी एक ही किस्म के पार्टिकल से मिलकर अगर कोई चीज़ बनी हुई है तो वो आपके पास एलिमेंट्स कहते हैं, कहलाते हैं। तो इस पूरी दुनिया में अगर कोई प्योर चीज़ है वो एलिमेंट है। अब ऐसा नहीं है कि आप घर पे जाओगे मिल्क देखते हो आप, मिल्क आप तो कहते हो भाई ये प्योर है, या वाटर आप कहते हो ये प्योर है, लेकिन एक्चुअल में ये प्योर नहीं होता है, ये आपके पास कंपाउंड होता है। इसको हम आगे डिस्कस करते हैं अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में। प्योर का थोड़ा सा आइडिया आपको मिल चुका होगा, अब हम बात करते हैं थोड़ा प्योर सब्सटेंस में कुछ एग्जांपल्स की। मान लीजिए आपके पास हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में सिर्फ हाइड्रोजन के ही एटम मिलेंगे। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन में सिर्फ ऑक्सीजन के ही एटम मिलेंगे, इसलिए ये प्योर है। नाइट्रोजन में सिर्फ नाइट्रोजन के एटम मिलेंगे, कॉपर में सिर्फ कॉपर के एटम मिलेंगे, और सोडियम में सिर्फ सोडियम के ही एटम मिलेंगे। अब जब एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो आपके पास बनाते हैं मॉलिक्यूल्स। एक हाइड्रोजन का एटम और दूसरे हाइड्रोजन का एटम जब आपस में कंबाइन करेंगे तो आपके पास H2 बनेगा, जो कि एक मॉलिक्यूल है। तो अब हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में H2 हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, तो इसमें आपको मान ली सपोज कर लेते हैं ऑक्सीजन का एटम थोड़ी ना देखने को मिलेगा, एटम तो हमेशा हाइड्रोजन का ही रहेगा, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एलिमेंट्स के अंदर एक ही किस्म के एटम्स या फिर मॉलिक्यूल होंगे, इसलिए वो प्योर कहलाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे और थोड़ा ध्यान से समझने की अगर कोशिश करें तो। अब बात करते हैं हम कंपाउंड्स की, अब बात करेंगे हम कंपाउंड्स की। तो देखिए, जब भी पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं, टू आर मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर इन अ डेफिनेट रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड। यानी कि दो या दो से ज़्यादा एटम्स एक दूसरे, या एलिमेंट्स आप कह सकते हो, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जब एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं एक फिक्स रेशो पे, तो उन्हें हम कंपाउंड कहते हैं। जैसे आपके पास H2O है, वाटर है, तो वाटर आपके पास कंपाउंड है। आप कहते हो ना वाटर प्योर है, तो वाटर प्योर तो है लेकिन एक्चुअल में है क्या वो कंपाउंड, ठीक है। हम एलिमेंट और कंपाउंड में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे है आपके पास वाटर में H2 और O, ये है आपके पास वाटर। तो इसमें दो एटम हाइड्रोजन के जुड़े हुए हैं और एक एटम ऑक्सीजन का जुड़ा हुआ है, तो इसका जो रेशो होगा वो 2:1 ही रहने वाला है। अगर मान लीजिए आपने इस तरीके से इसको बना दिया H2O2, ये वाटर रहेगा ही नहीं, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे रेशो क्या है आपके पास 2:2। तो डेफिनेशन में ये भी चीज़ लिखी हुई है कि जो दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो उनका जो रेशो होगा वो भी हमेशा फिक्स्ड ही रहना चाहिए, वो रेशो भी हमेशा फिक्स रहना चाहिए। अब नेक्स्ट है आपके पास कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड बाई केमिकल मेथड। यानी कि अगर कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स को आपने सेपरेट करना है, जैसे CO2 है आपके पास, CO2 है, अगर इसको आपने सेपरेट करना है तो किसी भी केमिकल तरीके से, आप चाहे हीट कर लो या आप इसको किसी दूसरी चीज़ के साथ रिएक्ट करवा दो, तब जाके आपको कार्बन और ऑक्सीजन अलग अलग देखने को मिलेंगे। सेपरेट हो सकते हैं लेकिन एक साथ से नहीं। एग्जाम्पल है आपके पास कंपाउंड्स की, जैसे आपके पास वाटर है, एमोनिया है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे जैसे आप हजारों एग्जांपल्स और भी दे सकते हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा चीज़ों को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको आप समझिएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट। यानी कि आपके पास मान लीजिए एक हाइड्रोजन है और दूसरा ऑक्सीजन है, जब आपने इन दोनों को कंबाइन किया तो आपके पास बन गया H2O2 times, ओके? तो अब जो हाइड्रोजन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल थे, यानी कि जो हाइड्रोजन था, वाटर में कन्वर्ट होने के बाद इसकी प्रॉपर्टीज कभी भी इसके साथ मैच नहीं करेंगी। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज वाटर मॉलिक्यूल से टोटली डिफरेंट होंगी, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज वाटर मॉलिक्यूल से टोटली डिफरेंट होंगी,
कम्बिनेशन से पहले प्रॉपर्टी कुछ होंगी और जब ये आपस में कंबाइन करेंगे उस वक्त प्रॉपर्टी कुछ और हो जाएंगी। जैसे एक एग्जांपल है यहाँ पे, सोडियम एंड क्लोरीन आर पॉइजनस बट NaCl इज नॉन टॉक्सिक एंड वी कैन कंज्यूम इट डेली। यानी कि अगर आप अलग अलग सोडियम और क्लोरीन को अगर खा लेते हो तो आपकी डेथ हो सकती है, क्योंकि ये टॉक्सिक होते हैं, जहरीले होते हैं। लेकिन जब आप इनको आपस में कंबाइन करके NaCl बनाते हो, सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड से क्या किसी की डेथ होती है? कभी नहीं होती है ना, हम डे टू डे लाइफ में तो इसे इस्तेमाल करते हैं। तो यही कहने का मतलब था कि एलिमेंट्स की कंपाउंड्स में कन्वर्ट होने के बाद प्रॉपर्टीज एकदम से चेंज हो जाती हैं, जो उनका पहला बिहेवियर होता है वो नहीं रहता है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम मिक्सचर की तरफ, ठीक है। तो मिक्सचर क्या होता है? आप सिंपली मार्केट में भी जाते हो, कुरकुरे, लेज, है ना, इस किस्म की चीज़ें खाती हो, तो वो मिक्सचर ही होता है। अब सिंपल हम देखते हैं क्या है डेफिनेशन। इट कॉन्टेंट्स मैनी टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स विच आर मिक्सड इन एनी रेशियो। इसके अंदर किसी भी किस्म के पार्टिकल्स हो सकते हैं मिक्सचर में, जो एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, लेकिन उनका जो रेशियो होता है वो भी थोड़ा हम कह सकते हैं कुछ हद तक सेम होता है। लेकिन ये है कि हम कंपाउंड्स को मिक्सचर नहीं कह सकते, क्योंकि जो कंपाउंड्स थे उनमें मिक्स होने का जो प्रोपोर्शन था, प्रोपोर्शनलिटी का जो रेशियो था, है ना, वो सेम था, जैसे वाटर में 2:1 था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, वो फिक्स्ड रेशियो पे मिक्स नहीं करते हैं, किसी भी रेशियो पे मिक्स कर सकते हैं। समझ आ गई? बस यही डिफरेंस है थोड़ा सा इनमें। बोलता है कंपाउंड कैन बी सेपरेटेड बाई फिजिकल मैथड सच एज फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन एट्सेट्रा। यानी कि जो कंपोनेंट है, कंपाउंड नहीं है, यानी कि जो मिक्सचर के कंपोनेंट होंगे, ठीक है। मान लीजिए आपने वाटर लिया, वाटर में आपने सैंड ऐड कर ली, ठीक है। इस तरीके से जब आप इन दोनों को मिक्स करोगे तो उसके बाद में आप इनको इजली फिल्टर करके सेपरेट कर सकते हो, लेकिन कंपाउंड में ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती है। जैसे आपके पास मान लीजिए एग्जांपल है शुगर सॉल्यूशन इन वाटर, एयर एट्सेट्रा, है ना। जैसे एयर है आपके पास, हवा, ठीक है, एयर आपके पास मिक्सचर है किसका, गैसेस का, मिक्सचर ऑफ गैसेस, हवा आपके पास गैसेस का एक मिक्सचर है। बस थोड़ा सा डिफरेंस है, ये चीज आपको याद रखनी है, कंपाउंड और मिक्सचर में यही डिफरेंस है कि जो कंपाउंड होते हैं उसमें पार्टिकल्स या एटम आप बोल सकते हो एक दूसरे के साथ फिक्स प्रोपोर्शन पे मिक्स होते हैं, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि किसी भी प्रोपोर्शन पे कंबाइन कर सकते हैं, उनका रेशो कुछ भी हो सकता है। अब चलते हैं हम आगे नेक्स्ट इसकी टाइप्स की तरफ थोड़ा और समझने के बाद। तो मिक्सचर की जो पहली टाइप्स है वो है आपके पास होमोजीनियस मिक्सचर। देखो होमो का मतलब होता है सेम, होमो का मतलब होता है सेम, और जीनियस का मतलब होता है फेज, ठीक है। तो होमोजीनियस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें कोई भी कंपोनेंट अगर मिक्स हो रहा है, मिक्स होने के बाद उसकी जो फेज होगी वो बिल्कुल सेम रहेगी। समझते हैं क्या है डेफिनेशन। द कंपोनेंट्स कम्प्लीटली मिक्सड विद ईच अदर, यानी कि जो कंपोनेंट होगा, मान लीजिए आप नमक को या यहाँ पे एग्जांपल दी है, अगर शुगर को आप वाटर में मिक्स करते हो तो मिक्स करने के बाद ये एक दूसरे में कम्प्लीटली मिसिबल हो जाएंगे। आप मिक्स करने के बाद ये नहीं बता सकते कि ये हमारे पास शुगर है और ये हमारे पास शुगर है और ये हमारे पास वाटर है। कम्प्लीटली एक दूसरे में मिक्सअप हो जाते हैं, शुगर के मॉलिक्यूल्स को आप कभी भी नहीं ढूंढ पाओगे। नेक्स्ट क्या है आपके पास, कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। मैंने पहले ही कहा कि इनकी जो कंपोजिशन होगी वो ऊपर से नीचे तक सेम होगी। ऐसा थोड़ी ना होगा कि आप ऊपर से टेस्ट करोगे तो थोड़ी ज़्यादा चीनी आपको दिखाई देगी और नीचे से टेस्ट करोगे तो थोड़ी कम, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो उस किस्म के मिक्सचर को क्या कहते हैं हम, होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। जैसे आप शुगर सोल्यूशन है, आप सॉल्ट सोल्यूशन भी कह सकते हो, शुगर सॉल्यूशन के अलावा सॉल्ट सॉल्यूशन भी है आपके पास। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है उन चीज़ों को देखते हैं। नेक्स्ट है आपके पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, सेम है। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है। तो जीनियस का मतलब होगा फेज। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर एक ऐसे किस्म का मिक्सचर होगा
जिसकी जो फेजेस होंगी वो डिफरेंट होंगी। डेफिनेशन क्या है, द कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट एंड सम टाइम डिफरेंट कंपोनेंट्स आर विजिबल, यानी कि जो कंपोजिशन होगी दोनों मिक्सचर की, यानी कि दोनों पार्टिकल्स की जिनको हम आपस में मिक्स कर रहे हैं, तो उनकी सेम नहीं होगी कभी भी कंपोजिशन, वो ऊपर नीचे होगी। मान लीजिए एक दूसरे में मिक्सअप भी हो गए हैं, तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो पार्टिकल्स होंगे वो आपको अच्छे से विजिबल दिखेंगे, यानी कि अच्छे से दिखाई देंगे। जैसे आपने रेत ले ली, सैंड, सैंड को आपने वाटर में मिक्स कर दिया, तो ये आप देख रहे हो यहाँ पे सैंड है और ये यहाँ पे वाटर आपको इजली दिखाई दे रहा है। एग्जाम्पल देखते हैं हम, एग्जाम्पल है आपके पास मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर या ग्रेन एंड पल्सिस अलॉन्ग सम डर्ट, यानी कि जो भी आपकी दालें वगैरह होती हैं या आप खाना ही बनाते हो वो भी एक किस्म का मिक्सचर है, चाय बनाते हो वो भी आपके एक किस्म का मिक्सचर है। क्योंकि ऐसा थोड़ी है एक कप के लिए आपने अगर पहले 100 ml पानी लिया, बाद में आप उसमें ही उतना ही अगर ले लें तो 200 ml भी तो ले सकते हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा, बनेगी तो चाय ना। या दूध आपने 10 या 20 ml लिया, तो अगली बार आप 50 ml ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है। कंपोजिशन के ऊपर ये चीज़ें डिपेंड नहीं है, कोई भी किसी भी किस्म का फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अब नेक्स्ट चलेंगे आगे और थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, जो क्वेश्चन हमने अभी तक जो टॉपिक पढ़े उनके ही बेसिस पर हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे जो बिल्कुल बेसिक रहने वाले हैं, ताकि आप लोग अगर अपनी नीट या जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें वो काफ़ी फायदेमंद रहने वाले हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैटर अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। आपके पास क्या है, बोलता है इनमें से कौन सा ऐसा मैटर है जो रूम टेम्परेचर में अपनी ही फिजिकल स्टेट पे रहता है। चलिए आपके पास 5 सेकेंड का टाइम है, आंसर दीजिए। आई होप आप लोगों ने आंसर करेक्ट सोचा होगा। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं। तो हमने कहा है क्वेश्चन में ये बात पूछी गई है कि रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे फिजिकल स्टेट सेम क्या रहेगी। तो सॉलिड की सॉलिड रहेगी हमेशा, लिक्विड की लिक्विड ही रहेगी और गैस की गैस रहेगी। इसका मतलब आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑल ऑफ दीज, ये तीन जो ऊपर तीन ऑप्शन दिए हैं, तीनों के तीनों करेक्ट हैं। तो देखिए बिल्कुल सही जवाब, जिन बच्चों ने सही जवाब दिया है वो जीत चुके हैं, 1 रुपए का इनाम मेरी तरफ से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपका रीजन बताया हुआ है, रीजन तो मैंने आपको बता दिया है पहले से ही। अब नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। अब देखो होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, फेजेस सेम होती हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपने बताना है कि इनमें से कौन सा होमोजीनियस मिक्सचर है। पहला ऑप्शन है आपके पास वाटर प्लस अल्कोहल, दूसरा है वाटर प्लस सैंड और तीसरा ऑयल प्लस वाटर। ये वाली एग्जांपल तो हम देख चुके हैं, इस वाली एग्जांपल में हमने ये चीज़ देखी हुई है कि वाटर और सैंड दोनों विजिबल होंगे तो विजिबिलिटी होगी, तो वो हेटरोजीनियस मिक्सचर होगा। अब आपने एक बीकर लिया, एक बीकर में आप क्या करोगे, पानी डालोगे, पानी के बाद ऑयल डालोगे, तो जो ऑयल होगा, ठीक है, जो ऑयल होगा आपके पास वो हमेशा ऊपर रहेगा और जो वाटर होगा वो नीचे रहेगा। ये डिपेंड करता है इनकी डेंसिटी के ऊपर, ये चीज़ें आगे हम और डिटेल में पढ़ेंगे। तो उस हिसाब से ये आंसर भी गलत हो गया, ये आंसर भी गलत हो गया, और जो आपके पास ये वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट होगा। तो चलिए देखते हैं क्या हमारा ऑप्शन करेक्ट है या नहीं। बिल्कुल सही जवाब, जिन बच्चों ने सही जवाब दिया है वो जीत चुके हैं, 2 रुपये का इनाम। तो चलिए अब हम नेक्स्ट आगे स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वाटर एंड अल्कोहल। चलिए रीजन आपको पता है, मैंने बता भी दिया है। अब है आपके पास नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्यूशन, कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि आपके पास सॉल्यूशन है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर, सेकेंड ऑप्शन है आपके पास होमोजीनियस मिक्सचर, और थर्ड ऑप्शन है आपके पास बोथ, यानी कि आपके पास ए और बी दोनों करेक्ट हैं। तो हम बात करें अगर सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन ही हमें बताती है कि सॉल्यूशन हमारे पास एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। तो उस हिसाब से अगर हम आइडिया लगाएं तो हमारा जो ऑप्शन ए होगा वो आपके पास करेक्ट होगा, कि सॉल्यूशन हमारे पास एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आप ये सारी चीज़ें समझ पाए हों तो मेरे साथ कंटिन्यूअसली जुड़ने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो,
उसके बाद में अगर जिन बच्चों को इस पूरे सेशन की पीडीएफ चाहिए होगी तो वो पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप सेशन के बाद आप चेक कर सकते हो। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। किसी भी किस्म का डाउट रहता है आप कमेंट में पूछ सकते हो, या मैं ग्रुप क्रिएट कर दूंगा वहाँ पे आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीबडी, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल नए सेशन में, पूरा कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा आपका।